उर्वरक हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे रिफाइनरी हो, हर चीज बेरोजगारी की मार से जूझ रही है। इन सब से ध्यान भटकाने के लिए, देश का ध्यान भटकाने के लिए आए दिन कांग्रेस के नेताओं पर झूठे और बदले की भावना से प्रेरित मुकदमे बनाए जा रहे हैं। डीके शिवकुमार जी की गिरफ्तारी भी बदले की आग से धधकती हुई भारतीय जनता पार्टी की ऐसी ही कार्यवाही है। पर वो ये जान लें कि डूबती हुई अर्थव्यवस्था, डूबता हुआ रुपया, जाते हुए रोजगार और पूरे देश में जो आर्थिक आपातकाल के हालात हैं, उन पर पर्दा डालने के लिए इस प्रकार के कुकृत्यों से वो कभी बच नहीं पाएंगे। जनता जवाब अवश्य मांगेगी और भाजपा सरकार को जवाब देना पड़ेगा। डीके शिवकुमार जी निर्दोष हैं, निर्दोष थे। उनके खिलाफ बगैर किसी सबूत के एक बदले की भावना से बदला लेने के लिए कार्यवाही की जा रही है। हम अदालत में और जनता की अदालत में इसका सामना करेंगे।